तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि कैसे बिग माफिया सबको मार के क्लॉक टावर पे कब्जा कर लेता है और फिर एडम को क्लॉक टावर से धक्के मार के निकलवा देता है, जिसके बाद कई दिन और कई साले गुजर जाती है लेकिन एडम का कोई अता पता नहीं होता है। देखो इस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को भी रेड कलर पसंद आना तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, और हाँ अगर आप लोग को एडम पसंद आना तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। गाइस जरा देखो तो क्लॉक टावर पे कितनी सारी बिल्डिंग्स बन चुकी है, यार ये तो पूरा क्लॉक टावर ही चेंज हो चुका है। अब ये क्या साकुरी की भी शादी हो गई है, और हाँ यार इसका तो एक बच्चा भी है, लेकिन उन सबको नहीं पता था तब भी क्लॉक टावर पे एडम की एंट्री हो जाती है। और एडम जैसे ही देखता है कि साकुरी की तो शादी हो गई है और उसका एक बच्चा भी है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, फिर वो बिग माफिया के गुंडों को पकड़ के बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद बिग माफिया बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन एडम किसी की भी नहीं सुनता और वो बिग माफिया को मारना शुरू कर देता है। वो बिग माफिया को इतना मारता है कि बिग माफिया की सारी हड्डियां टूट जाती है और फिर वो एंड में उसको भी बहुत दूर फेंक देता है और फिर से क्लॉक टावर पे खुशी का माहौल फैल जाता है। लेकिन गाइस क्या ओल्ड वाला क्लॉक टावर अच्छा था कि न्यू वाला, कमेंट करके अभी बताओ।